सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी छोटे छोटे टुकड़ों में से कुर्ती बनाना और इसका कॉलर हम बैंड कॉलर बनाएंगे। ये हमारे पास 3 टुकड़े हैं तो इसकी हम कुर्ती बनाएंगे। पहले हम ऊपर का हिस्सा निकालेंगे। कुर्ती की लंबाई लेंगे हम 29 इंच की और चेस्ट हमारी 32 इंच की। ये हम कुर्ती की चेस्ट का ऊपर का नाप लेंगे। ये हमने चौड़ाई दी है वो है 19 इंच। अब हम इसको डबल करेंगे। ये हमने डबल किया, ये हमारे पल्लर हो गए 4 और ये हमारा बंद वाला हिस्सा है। यहाँ से हम कॉलर का नाप लेंगे तो हम कॉलर का नाप लेंगे वो लेंगे हम ऊपर से 16 8 इंच के। ये 8 इंच के हमने ऊपर से शोल्डर लिए। मैं आपको ये फुल शोल्डर बता रही हूँ, जैसे बड़े लोगों का आप बनाएं तो आप ऊपर से 8 इंच के लें। आर्मर लेंगे हम 6 इंच के, क्योंकि चेस्ट के हिसाब से 6 इंच आर्मर काफी है। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे तो हमारी चेस्ट 32 है तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से शेप देंगे। अब हम इसमें गुंजास के लिए, ये हमने 1.5 इंच गुंजास के लिए लिया है तो हम इसको इस तरीके से शेप देंगे। इसमें से हम एक पल्लर पीछे का रखेंगे, उसका हम गला नहीं काटेंगे। ये हमारा पीछे का पल्लर हो गया। अब हमारा ये आगे का पल्लर है तो इसके हम कॉलर बनाएंगे, वो बैंड कॉलर बनाएंगे, बंद कॉलर। ये हमारी बुकरम की चौड़ाई है, वो चौड़ाई भी हम, ये हमारा जो गला है वो 16 इंच का हम कॉलर लगाएंगे तो हमने 1 इंच इसमें बढ़ा के लिया है। ये हमने 17 इंच का लंबाई में लिया है बुकरम। अब हम इसको डबल करेंगे, ये हमने डबल किया। चौड़ाई में हमने 5 इंच लिया है। अब हमें कॉलर लगानी है 1.5 इंच की तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच के कॉलर के लिए। यहाँ पे हम 1.5 इंच यहाँ पे भी रखेंगे ऊपर की साइड। डेढ़ इंच हमें यहाँ पे भी रखना है। अब हम ये बीच वाला हिस्सा है जो हमारा कॉलर का, इसको हम इस तरीके से बराबर नाप लेंगे। यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे। इसकी भी गोल शेप में कटिंग करेंगे। ध्यान रहे एक कॉलर हमारी बराबर रहे।
यहाँ से हम आधा आधा इंच यहाँ से शेप देंगे। अगर आप ये शेप देना ना चाहें तो ना दें। इस तरीके से ये हमारी कॉलर बनके बुकरम की हमने काट लिए। इस तरीके से हम ये लगाएंगे। अब हम कॉलर के लिए गला काटेंगे। आगे का गला हम 4 इंच का काटेंगे चौड़ाई में, या 3.5 का, 3.5 का काटेंगे, क्योंकि जब हम लगाएंगे तो वो दोबारा से चौड़ी हो जाएगी। कॉलर के हिसाब से हम ये बुकरम को रखेंगे। ये हमारी कॉलर की चौड़ाई है, वो है 3, तो हम इसको 2.5 इंच काटेंगे गले को। अब हम बीच में से यहाँ से कट करेंगे। ये हमारा कपड़ा है काला, या कोई भी आप डिजाइन का कपड़ा ले सकते हैं। फिर हम सामने लगाएंगे इसको। इसकी चौड़ाई है वो है 6 इंच। यहाँ से हम इसकी लंबाई रखेंगे जितना हमारा नीचे का हिस्सा है। अब हमने दूसरा पल्ला लिया है, वो हम इसकी लंबाई के लिए ले रहे हैं कि हम इसकी लंबाई 30 करनी है। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे और इसकी लंबाई 30 है तो हम 2 इंच बढ़ा के लेंगे। ये हम नीचे की लेंथ इसको जोड़ेंगे, पल्लों को हम दोनों को बराबर कर दें इस तरीके से। इसकी हम लंबाई बराबर करेंगे। यहाँ पे बीच में हम काले कलर की ये पट्टी लगाएंगे जो गले पे लगा रहे हैं। इसके नाप की हम 2 पट्टियां काट लेंगे। ये पट्टी लगाने से हमारा सूट में जोड़ भी नहीं दिखाई देगा और डिजाइन सी भी लगेगी। तो ये हम पट्टी उसमें लगाएंगे और कॉलर में भी हम यही कपड़ा यूज करेंगे। कॉलर के नाप की 2 पट्टियां काटेंगे। ये हमने कॉलर के लिए काटा है। अब हम इसकी बाजू निकालेंगे। ये हमारा कपड़ा डबल है। चौड़ाई है वो है 8 इंच। की चौड़ाई दी हमने। 2 इंच हम यहाँ से लेंगे बाजू काटने के लिए। ये हमने यहाँ से 2 इंच दिया और इसमें गोल शेप देंगे बाजू के लिए इस तरीके से। बाजू की लंबाई है वो है 18। तो ये हम इस पे सिलाई करेंगे तो 16 इंच हो जाएगी। मोरी हम 5.5 इंच की लेंगे।
ये हमने बाजू काट ली। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि ये कॉलर कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले हमें एक काला कपड़ा इसके ऊपर दबाना है आगे की लंग। तो हम एक कपड़े पे जो हमारा सूट का कपड़ा है उसको हम इस तरीके से बराबर रख के सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सीधा है। अब हम ये काले कपड़े को जितना हमारा ये गला कटा हुआ है उतना हम ये गला काटेंगे। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम गले पे भी सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा गला इसमें दब जाए। अब हम ये कपड़े को अंदर की शर्ट दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें पीछे का पल्लर जोड़ेंगे। पीछे का पल्लर हम यहाँ से जोड़ेंगे, ये हमारी शोल्डर है। ये हमने शोल्डर को जोड़ दिया है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी जिस तरीके से कॉलर कटी हुई है उसी तरीके से हम इसको काटेंगे कपड़े को। अब हम बीच में इसमें कट लगाएंगे। अब इसको हम इस तरीके से बुकरम के ऊपर दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके नीचे कपड़े को रख के इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हमें जिस तरीके से हमारी बुकरम कटी है उसी तरीके से हमें गले को काटेंगे। पीछे की लंग हम थोड़े से कॉलर पे ये कैंची के कट लगा लें। अब हम यहाँ से अपनी बुकरम को कॉलर को नापेंगे। अगर आपको कॉलर छोटा करना चाहें तो आप यहाँ से सिलाई लगा सकते हैं।
ये तरीका है मैंने आपको बता दिया छोटा करने का। अब हमने कॉलर पे सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे कैंची का। ये हमारा बीच वाला हिस्सा है। इसी तरीके से हम ये पीछे के लंग भी निशान लगाएंगे। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पे कैंची का। अब हम ये उल्टे लंग से रखेंगे कॉलर को। ये हमारा बीच वाला हिस्सा है। इस तरीके से ये हम दोनों हिस्सों को बराबर मिला के सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये हमारा कपड़ा था उस पे हमने गले को जोड़ा है। अब हम ये बुकरम को ऊपर की साइड दबा देंगे। कॉलर को हम अच्छी तरीके से सीधा कर लें। अब हम ये कपड़े को अंदर की साइड दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारा कॉलर लग गया है। इसमें हम चेन लगाएंगे। चेन कैसे लगाते हैं उसकी वीडियो मैंने डाली है। आप लगा सकते हैं चेन या बटन भी लगा सकते हैं। तो ये हमने बैन कॉलर लगा लिया है। पहले आप अखबार पे ही काटें जब आप कॉलर कपड़े में लगाएं। ये हमें ये हमारा जो नीचे का हिस्सा है बड़ा, इस तरीके से हमें लगाना है नीचे के हिस्से से, क्योंकि इस पे आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ से ना लगाएं। ये हमारा छोटा हिस्सा है। जो हमारी गोलाई है वो हमें ऊपर की साइड ही रखनी है, और जो हमारा नीचे का हिस्सा है वो हमें कपड़े में लगा के इस तरीके से फिट करना है। तो ये मैंने आपको बताया है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा नीचे का हिस्सा है उसी को हमें कुर्ती में लगाना है, और ऊपर का हिस्सा है जिसमें हमने गोलाई दी है वो आपको ऊपर की साइड रखना है। अब मैं इसमें बाजू लगा के और पूरी कुर्ती तैयार करके बताती हूँ। ये हमारा कॉलर में से जो कपड़ा बचा हुआ था इसमें से हम बाजू पे पट्टी लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर ये पट्टी लगाएंगे। तो हम ये पट्टी नीचे की साइड से लगाएंगे, ऊपर की साइड दबा देंगे। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे।
ये हमारा बीच वाला हिस्सा है, यहाँ से ये यहाँ पे शोल्डर पे जोड़ के हम इसको नापेंगे। अब हमें नीचे वाला हिस्सा जोड़ेंगे। अब हम इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे। ये हमारे पास दो पट्टियां हैं, जिससे हमारा ये जोड़ भी ना दिखेगा और डिजाइन भी लगेगी। अब हम यहाँ से फिटिंग करेंगे, जितनी हमें फिटिंग करनी है उतनी हम सिलाई। अब यहाँ तक हम इसको खोलेंगे, तो हमने यहाँ तक ही सिलाई लगाई है, यहाँ तक हमने ये पट्टी लगाई है। अब हम बाजू से फिटिंग करेंगे। हम ये हमने बाजू लगाई, यहाँ से हम इसको नापेंगे। यहाँ पे हम कट लगा देंगे कि हमें कहाँ से खोलना है दोनों साइड, और इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हम ये चाक बनाएंगे, तो हम इसको एक साथ काटेंगे। अब हम नीचे की ये बगली की इस तरीके से दबा के सिलाई लगाएंगे। चाक बना रहे हैं हम। अब हम नीचे से इसको
छोटा बड़ा है वो हम इसको काटते हैं। ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। ये हमने पट्टी लगाई है वो हमारी डिजाइन की तरह लग रही है और जोड़ भी पता नहीं चल रहा है। तो ये हमारा कॉलर भी लग चुका है, डेन कॉलर। अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं तो आप इसी तरीके से कुर्ती को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।